शैतान क्या वसवसे पैदा करता है? ये फरेबी कौन है? शैतान है। क्या फरेब देता है? एक आदमी शराब पीता है, झूठ बोलता है, ड्रग सप्लाई करता है, सब कुछ करता है, और उसको सर में दर्द भी नहीं और माल ही का माल है उसके पास, कोई टेंशन नहीं। तो आदमी जब देखता है तो सोचता है यार कितना माज अल्लाह, आदमी कहता है माज अल्लाह, अल्लाह कितना इस पर मेहरबान है, कहता है ना। हराम काम करने वाले को ऐश कदे के अंदर रहते हुए देखकर, मालो जर की फरावानी देखकर शैतान फरेब में गिरफ्तार कर देता है कि देखो ये अगर गलत होता तो इसको माल कहां से मिलता, ये फरेबी फरेब दे रहा है। लेकिन कुरान कहता है याद रखो ये मौला की तरफ से ढील है, जब उसकी पकड़ होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सके। तो ये तुम्हें धोखा ना दे, ये हमें धोखा दे देती है, धोखा दे देती है। और यकीन माने कि मैंने जब से ये आय करीमा, कुछ दिनों से इस आयत पर मैं थोड़ा सा जो है वो देख रहा हूं और सोच रहा हूं, तो अब कहीं भी चला जाऊं और कितने ही बड़े घर में चला जाऊं लोगों के यहां, अभी मैं एक शहर गया हुआ था तो वहां जाने के बाद मैंने वो घर देखा, तो मैं समझता हूं कि दुनिया मैंने घूमी है अल्लाह के फजल से, इतना अच्छा घर और इतना बेडरूम खूबसूरत मैंने नहीं देखा जितना अभी चंद दिनों पहले मैंने देखा। तो मैंने इसका तस्करा मेरे एक दोस्त से किया, मैंने कहा यार मैं फलां जगह गया था वहां पर इतना अच्छा मैंने डेकोरेटेड घर देखा। तो बोले हजरत उसकी कहां बात करते हो आप, उस शहर की? मैं आपको बताऊं आजकल तो लोग अपने पैसों की शोबाजी इस तरीके से भी करते हैं कि ठंडी के मौसम का बेडरूम कैसा होगा, गर्मी के मौसम का बेडरूम कैसा होगा, बारिश के मौसम का बेडरूम कैसा होगा, मौसमों के एतबार से अपना बेडरूम चेंज करते हैं वो। अब मुझे बताइए आदमी जब ये सारी चीजें देखेगा तो सोचेगा ना कि यार देखो कितनी मजे की जिंदगी है, कितनी मजे, कोई कमी है, कितने ऐश में जिंदगी गुजार। तो ये सवाल और ये जो वहम जो दिल में पैदा होता है ना, ये शैतान हमारे दिल में ये फरेब पैदा करता है। हमें किसे देख करके खुश होना चाहिए और उसके जैसी जिंदगी मांगना चाहिए? अगर किसी को जमात का पाबंद देखे कि सुन्नी सही अकीदा इमाम के पीछे कोई पाबंदी से जमात से नमाज पढ़ रहा है तो उसे देखकर हमें खुश होना चाहिए, ए अल्लाह इसके जैसी जिंदगी हमें अता फरमा। किसी को कुरान की तिलावत करते देखे तो यह दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह इसके जैसी जिंदगी अता फरमा कि यह जो कुछ भी कर रहा है ये बाकी रहने वाली जिंदगी के लिए और बाकी रहने वाले दौर के लिए कर रहा है, कि नमाज का फायदा भी आखिरत में मिलेगा, तिलावत का फायदा भी आखिरत में मिलेगा और दुनिया में भी मिलेगा, दोनों जहां में मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम तो सिर्फ ये दुनिया पर फरेफ्ता है, ये दुनिया पर फरेफ्ता है। जायज अगर आपके पास है तब भी इसराफ से मना किया गया, फजूल खर्ची से मना किया गया। कनाअत इख्तियार करो, कनाअत इख्तियार करो, जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और याद रखें अपनी ताकत से ज्यादा अपना पैर न फैलाएं, जितनी आपके पास जितनी कैपेसिटी है उतना ही आप करें, और जितना अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। इसलिए कि याद रखें आपकी तकदीर में अल्लाह ने जितना लिखा था उतना उसने आपको अता कर दिया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई शख्स अल्लाह का शिकवा करता है और कनाअत की बजाय हिर्स और तमा में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर ऐसा बंदा ऐसी गलतियां कर बैठता है जिन गलतियों की बुनियाद पर उसकी आखिरत खराब हो जाती है। पहली गलती उसके अंदर हसद पैदा हो जाता है, हसद पैदा होता है और हसद नेकियों को खत्म कर देता है। उसके पास उसका धंधा क्यों चलता है, मेरा क्यों नहीं चलता, बस ये हसद पैदा हो गया माली की वजह से, माली की वजह से। लेकिन वो ये सोचे कि मेरे नसीब का मेरा मौला जितना है मुझे अता करता है, इस पर कनाअत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो मेरा मौला फरमाते तूने मेरा शुक्र अदा किया, जा मैं तुझे ज्यादा अता कर देता हूं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम,
तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे। आज सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि इंसान हिर्स और तमा का शिकार हो गया, लालची हो गया। यहाँ काफ़ी अच्छी तादाद में तलबा भी हैं और उलमा भी हैं, तो मैं थोड़ी सी एक बात समझा दूँ। किसी के पास आप दौलत की फरावानी देखकर ये न सोचना कि आप कमज़ोर हो, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी को कुरान का इल्म दे दिया गया और उसके बाद भी वो ये सोचे कि वो गरीब है या उसके पास दुनिया वालों के मुकाबले में कम है, तो गोया उसने अल्लाह की किताब की अजमत नहीं समझी। आपसे बड़ा मालदार कौन होगा, कौन होगा आपसे बड़ा मालदार? तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस चीज को जहन में रखें कि जो कुछ है शिकवा उस पर नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की बारगाह के अंदर शुक्राना अदा करते हुए कनाअत इख्तियार करें कि फरमाया गया मन कना जल्ला, जिसने कनात इख्तियार की अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है। वमन तमा ज़ल्ला, और जिसने लालच इख्तियार की अल्लाह उसे जलील फरमा देता है, यानी जिसने लालच की वो जलील हो गया और जिसने कनात की वो इज्जत वाला हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहां पर कोई होशियारी ना करे, कोई होशियारी ना करे हलाल कारोबार करने वाला कि मेरी अक्ल की बुनियाद पर मुझे दौलत मिली, या नेकियां कसरत से करने वाला यह सोचे कि मुझ में इतनी खूबी है कि मैं इतनी नेकियां करता हूं। नहीं, कुरान ने यहां पर वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, वमा असाबक मिन सज्जियतिन फमिन नफ्सिक, जो भलाई भी तुम्हें पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है। कुछ भी तुम्हें भलाई नसीब हो जाए, नेकी की तौफीक मिले, सजदे की तौफीक मिले, रिस्के हलाल में वसात हो, बरकत हो, तो उसे बस ये सोचें कि ये मेरे रब का करम है, ये उसका एहसान नसीब है। और अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो ये समझना कि ये तुम्हारे नफ्स की शरारत है, इसका कसूर अपने आप को करो, अपने आप को दो, इसका कसूर अल्लाह की तरफ नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया धोखे की जगह है और इस धोखे के अंदर हमें गिरफ्तार नहीं होना। हमें दुनिया में मुसाफिर की तरह रहने की कोशिश करनी है और ज़्यादातर तैयारी हमें आखिरत के बारे में करने की फिक्र करनी है। दुनिया में भी हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला से इस तरीके से तलब करना है कि मेरे मौला हमारी दुनिया भी बेहतर कर और हमारी आखिरत भी बेहतर कर, यानी दुनिया के अंदर फ़क्र व फाके से बचा, हलाल रोज़ी अता फरमा, और आखिरत के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमा, और परवरदिगार अपने फ़ज़्ल से हमें जन्नत नसीब फरमा।